मेरा नाम आरती शर्मा है और हम यहाँ ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन भोपाल की तरफ से और छात्र संगठन AIDSO युवा संगठन AIDYO की तरफ से यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप सभी जानते हैं 14 सितंबर को उत्तर प्रदेश के हाथरस जगह में एक बर्बर जघन्य घटना को अंजाम दिया दरिंदों ने। 19 वर्षीय दलित छात्रा के साथ बलात्कार कर उसे बहुत ही बहरेमी से मारा गया, उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया और उसे उसकी जीभ तक काट दी। इतनी जघन्य हत्या जो कि आप सोच नहीं सकते। कल छात्रा की डेथ हो गई है दिल्ली के सदरगंज हॉस्पिटल में। इसके खिलाफ में आज ही हम लोग एकत्रित हुए हैं और योगी सरकार से हम मांग कर रहे हैं, पूरे केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस प्रकार के जो अपराधी हैं उन्हें फांसी दिया जाए। साथ ही साथ इस प्रकार के जो अपराधी दरिंदे हैं उनको फांसी के साथ साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये जांच होना चाहिए अपराधियों की, इस घटना के मामले की। और पूरे देश भर में आज आंदोलन हो रहा है, हम प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जो छात्रा है जो FIR दर्ज करने गई थी FIR दर्ज नहीं करी। तो हम पुलिस प्रशासन की भी यहाँ कड़ी निंदा करते हैं और इस घटना की भी कड़ी निंदा करते हैं कि पुलिस प्रशासन इस प्रकार की घटनाओं में तुरंत FIR करे और इस प्रकार की घटनाओं के खिलाफ सरकार को तुरंत उचित कदम उठाना चाहिए।